भारत सरकार ने जब से चीन की 59 ऐप को बैन किया है, तब से चीन की ऐप बनाने वाली कंपनियां भारतीय मार्केट में घुसने के लिए इतना बेकरार हैं कि वो अलग अलग तरीके के अवैध तरीके अपना रहे हैं ताकि यूजर्स उनकी ऐप को दोबारा डाउनलोड कर सकें। इसको लेकर हम आपके लिए पहले वीडियो दिखा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के यूजर्स के फोन में अभी भी टिकटॉक मौजूद है और ये चोर तरीके से आ रहा है, जो आपके डेटा के लिए और आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सरकार ने इन तमाम चीन की ऐप बनाने वाली कंपनियों को चेता दिया है कि अगर इस तरह की हरकत वो बार बार करते रहे तो उन्हें आजीवन बैन का सामना भी करना पड़ सकता है और सरकार उन पर कानूनी एक्शन भी ले सकती है। पूरी रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने आपके लिए पहले वीडियो इस पर बना चुके हैं कि किस तरह से चीन बार बार भारतीय मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसके तमाम वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सरकार ने भी चीनी कंपनियों के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद उन्हें इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आदेश का किसी भी तरीके से उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने 29 जून को टिकटॉक, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय ने अब इन सभी कंपनियों को पत्र लिखा है जिसमें चेतावनी दी गई है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रतिबंधित ऐप्स की उपलब्धता और संचालन जारी रखना न केवल अवैध है बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत अपराध भी है और इसके लिए गंभीर कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार ने चीनी कंपनियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि यदि प्रतिबंधित सूची में शामिल किसी भी ऐप को भारत में उद्योग के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी माध्यम में उपलब्ध कराया जाता है तो उसे सरकारी आदेशों के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा और संबंधित कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। इन सभी कंपनियों को मंत्रालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कंपनी को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने लिखा है, यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 69A के तहत लगाया गया है और संबंधित कंपनियों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ये प्रतिबंध वीचैट और बीगो लाइव पर भी लागू है। सरकार ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था उसमें हेलो, लाइक, कैम स्कैनर, टिकटॉक, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल, शाओमी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब फैक्ट्री और शीन भी शामिल हैं। इससे पहले भी हम आपको सचेत करते आए हैं कि कैसे बैंड ऐप्स को बनाने वाली कंपनियां इन्हीं ऐप्स की क्लोन वर्जन भारतीय बाजार में लेकर आ रही हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता चुके हैं कि टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री जैसी ऐप भारतीय इंटरनेट यूजर्स को लिंक भेजकर उन्हें डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी कह रही हैं।